हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबिता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम एड थर्ड सेमेस्टर पेपर टू इंक्लूसिव एजुकेशन तो इसका सिलेबस जो है वो हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं और सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहें कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है क्योंकि कई क्यों बार बुक में आप लोगों को टॉपिक नहीं दिए गए होते हैं और कई बार ऐसे टॉपिक दिए गए होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होते तो एटलीस्ट आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं इसके अलावा आप देखिए ये आप लोगों को जैसे एम थर्ड सेमेस्टर है पेपर टू में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में तो पेपर टू में आपको ऑप्शन मिलते हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए तो ये जो सिलेबस में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में तो आप इसको जैसे कि कंपेयर भी कर सकते हैं सब्जेक्ट चूज करने से पहले कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं क्या सिलेबस होता है किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो पेपर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो इसलिए भी ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है तो इसको हम जान लेते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का है जयपुर यूनिवर्सिटी जयपुर का और ये आप लोगों का हंड्रेड मार्क्स का होता है जिसमें आप लोगों का सेवेंटी फाइव मार्क्स की थ्योरी होती है ट्वेंटी फाइव मार्क्स का इंटरनल होता है और इसमें जो है आप लोगों का फाइव यूनिट्स होती हैं इसमें जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट सबके अंदर फाइव यूनिट्स आपको दी गई हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जबकि जब, जब हम हरियाणा यूनिवर्सिटी का देखते तो उसमें आपको फोर यूनिट्स दी गई होती हैं तो इसको यू यूनिट वाइज हम देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट जो है आप लोगों के इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है उसमें हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन नेक्स्ट है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट डिजेबिलिटी एंड हैंडी नेक्स्ट इसमें यूनिट टू आ जाती है आपकी जिसमें है इंक्लूसिव प्रैक्टिस तो इसमें है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंड इंक्लूसिव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स एटीट्यूड्स एंड डिजेबिलिटी नेक्स्ट है आपका स्कूल्स रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन आईसीटी अडॉप्टिव एंड असिस्टिव डिवाइसेस इक्विपमेंट्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर डिफरेंट डिजेबिलिटीज़ नेक्स्ट इसमें आप लोगों का सपोर्टिव सर्विसेज रिक्वायर्ड टू फॉर मीटिंग स्पेशल नीड्स इन द क्लास रूम स्पेशल टीचर स्पीच थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड काउंसलर नेक्स्ट इसमें आपका यूनिट थ्री जिसमें है लीगल एंड पॉलिसी प्रस्पेक्टिव तो इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन सेकेंड है आपका द पर्सन विद डिजिलिटी जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट नाइनटीन नाइनटी एक्ट नेक्स्ट इसमें द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटी एक्ट इसके बाद यूनिट फोर आ जाती है आप लोगों की यूनिट फोर में, आप और और में आप और 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 है आप लोगों का इशूज़ इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन तो इसमें है आप लोगों का इशूज़ इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिजेबिलिटी नेक्स्ट इसके अंदर है आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन एंड अच्छे असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स नेक्स्ट इसमें राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी एंड एम्प्लीकेशन फॉर एडुकेशन प्रोविजन्स रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट आप लोगों का यूनिट फाइव है यूनिट फाइव में आप लोगों का है साइकोलॉजी एंड टीचर बेस्ड असमेंट ऑफ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स तो इसमें बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसमें एटीट्यूड सोशल एंड एजुकेशनल आ जाता है नेक्स्ट है आपका टीचर बेस्ड असेसमेंट इसके बाद है डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ टीचर फ्रेंडली इवेल्यूएशन प्रोसीजर्स तो इस तरीके से फाइव यूनिट्स हैं आप लोगों की इसका पूरा सिलेबस है और इसमें आपको देखिए देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा हार्ड नहीं अगर आपने पढ़ा होगा और फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है कोई आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कोई टॉपिक है आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं तो आप लोगों का मैं वो जो रिप्लाई है जल्दी ही करूँगी और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ तो अगर तो उनको लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी तो अभी का सेशन यही ओवर करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तो अभी के लिए थैंक यू धन्यवाद